आज नोखा में श्री परशुराम सेना के तत्वाधान में स्थानीय ब्राह्मण समाज के लोगों ने की आम सभा। नोखा में श्री परशुराम सेना के तत्वाधान में स्थानीय ब्राह्मण समाज ने की आम सभा। दिनेश सारस्वत ने बताया कि श्री परशुराम नाम से एक सर्किल का नामांकन करवाने एवं ब्राह्मण छात्रावास हेतु भूमि आवंटन कराने का प्रस्ताव रखा। नोखा विधायक बिहारीलाल बिश्नोई ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मनाई। भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने अटल जी की तस्वीर के आगे श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बस व ट्रक की भीड़ की स्थिति नाजुक। भीड़ इतनी तेज थी कि बस व ट्रक के आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में 5 जने घायल हुए, जिनमें से 3 की स्थिति नाजुक होने के कारण पीबीएम ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। रेजिडेंस डॉक्टर ने पीबीएम प्रशासन को दी चेतावनी। रेजिडेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर विजय पुनिया ने बताया कि इस दौरान आपातकालीन एवं आईसीयू सेवाएं ठप रहेगी। इस दौरान मरीज व आमजन को होने वाली समस्त परेशानियां व अव्यवस्थाओं की जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन एवं राज्य सरकार की होगी।